नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम और आज हम चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के विषय में। जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का माना जाता है। यदि आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं लेकिन लंबे समय तक काम करने के बाद भी आप पैसे को अपने पास इकट्ठा नहीं कर पाए, जब भी आपके पास पैसा इकट्ठा होने का समय आता है तभी कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है कि आपका पैसा आपके हाथ से निकल जाता है। चाहे बीमारी में लग जाओ या आपकी सूझबूझ की कमी में आप इधर उधर उसको इन्वेस्ट। कुल मिलाकर के पैसे के विषय में आप कहीं ना कहीं जीवन में तनाव से ग्रस्त हैं। आर्थिक स्वतंत्रता आपके जीवन में काफ़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं आई। तो आज की वीडियो में हम आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से इसके कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में दूसरा भाव पीड़ित होने पर, दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित होने पर और बृहस्पति के पीड़ित होने पर व्यक्ति कितना भी परिश्रम करे लेकिन ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता। आज मैं ये जातक अलंकार नाम की पुस्तक है इसके दूसरे अध्याय का विश्लेषण आपके सामने करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में ये प्रथम भाव तन का होता है, दूसरा धन का, तीसरा पराक्रम, चौथा माता, पाँचवा विद्या, छठा ऋण रोग शत्रु, सातवा भाव पत्नी और व्यापार का, आठवां मृत्यु, नौवां धर्म भाग्य, दसवां कर्म भाग्य, ग्यारहवां आय और बारहवां व्यय स्थान होता है। तो धन भाव प्रत्येक जन्म कुंडली में यहां पर होता है, जो अलग अलग लगन में अलग अलग राशि वहां पर पड़ी होती है। मेष लगन में धन भाव का स्वामी शुक्र, वृष लगन में बुध, मिथुन लगन में धन भाव के स्वामी चंद्रमा, कर्क लगन में धन भाव के स्वामी सूर्य, सिंह लगन में धन भाव के स्वामी बुध, कन्या लगन में धन भाव के स्वामी शुक्र, तुला लगन में धन भाव के स्वामी मंगल और वृश्चिक लगन में धन भाव के स्वामी बृहस्पति, धनु लगन में धन भाव के स्वामी शुक्र, मकर लगन में धन भाव के स्वामी शनि, कुंभ लगन में धन भाव के स्वामी बृहस्पति और मीन लगन में धन भाव के स्वामी मंगल होते हैं। तो यह मैं एग्जाम्पल देकर आपको कन्या लगन की कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर इस कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं शुक्र। तो यदि किसी भी लगन में, किसी भी जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ अपनी ही राशि में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति सर्वसंपत्तिशाली होता है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं लगती। जैसे इस जन्म कुंडली में शुक्र यहाँ पर या यहाँ पर अगर विराजमान है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति धनी व्यक्ति होता है। दोस्तों, संपूर्ण ज्योतिष में बृहस्पति को धन भाव का कारक माना जाता है, तो जन्म कुंडली में बृहस्पति के कमज़ोर हो जाने पर, धन भाव के कारक ग्रह के कमज़ोर हो जाने पर भी व्यक्ति को जीवन में धन की कमी कहीं ना कहीं महसूस होती है, तो बृहस्पति का अध्ययन करना भी आवश्यक है। दोस्तों, धनेश धन भाव का स्वामी यदि 6 डिग्री से कमज़ोर है तो भी गलत है और 22 डिग्री से ऊपर है तो भी गलत है। 8 से लेकर 22 डिग्री के बीच में अगर युवावस्था में है या युवावस्था के आसपास है तो व्यक्ति को धन संबंधित मामलों में दिक्कतें नहीं आती। दूसरे भाव के स्वामी के अपनी राशि में होने पर, जन्म कुंडली में कहीं पर भी, अपनी उच्च राशि में होने पर, अपने मित्र के घर में होने पर या अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने पर व्यक्ति को जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं लगती। लेकिन धन भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि ऐसे में नहीं होनी चाहिए। अगर धन भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि है तो व्यक्ति को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मैंने आपको तीन योग सर्वसंपत्तिशाली होने के बताए, इन तीनों योगों में व्यक्ति पैसे वाला आदमी होता है। धन भाव का स्वामी अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, धन भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो, धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो यह एक अच्छे योग हैं। अब आकस्मिक जीवन में कई बार जीवन ठीक ठाक चलते चलते व्यक्ति के जीवन में बेवजह गरीबी आ जाती है, कोई बहुत बड़ा कारण भी नहीं होता। तो यदि किसी व्यक्ति के धन भाव का स्वामी 6, 8 और 12 इन तीनों में से किसी एक भाव में चला जाए,
तो व्यक्ति को निश्चित रूप से टाइम टाइम पर धन की हानि होती है, सारा पैसा उसके हाथ से फिसल जाता है। यह एक गलत योग है। अगर धन भाव का स्वामी 6-8-12 में हो और उसके साथ में 6-8-12 का स्वामी भी कोई साथ में बैठा है, तो भी यह एक बहुत ही धन का विनाशक योग बनता है। दूसरे भाव का स्वामी, ये जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी यदि अति बाल्यावस्था में है, 6 डिग्री से कम है, 6 डिग्री से नीचे है, या वृद्धावस्था में है, 22 डिग्री से ऊपर है, तो भी व्यक्ति को जीवन में बहुत मेहनत, बहुत प्रयास करने के बाद पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता और उसके सभी काम पूरे नहीं होते। जब उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो उसको दाएं बाएं देखना पड़ता है। दोस्तों, दूसरे घर का स्वामी यदि जन्म कुंडली में अस्त है तो भी यह एक अच्छा योग नहीं है। और धन का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी बैठा है, अगर पाप ग्रहों से दृष्ट है, मान लिया इस कुंडली में धन का स्वामी शुक्र है और शुक्र यहाँ पर विराजमान है, शुक्र के ऊपर ये यहाँ पर शनि की दृष्टि है, 1-2-3, तो ऐसे में क्या होगा, आकस्मिक धननाश के योग बनेंगे। या यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, राहु की सीधी दृष्टि है, तो ऐसे में धननाश के योग बनते हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी पर पापक ग्रहों की दृष्टि होना या दूसरे भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि होना, व्यक्ति को एक एक पैसे से तरसना पड़ जाता है। पाप युत होने पर, पाप ग्रहों के साथ बैठने पर, यदि धन भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली में पापक ग्रहों के साथ बैठा है, इस जन्म कुंडली में शुक्र यहाँ पर धन भाव का स्वामी है, लेकिन यहाँ पर प्लस राहु भी है, यहाँ पर प्लस शनि भी है, ऐसी परिस्थिति में भी पाप ग्रहों से घिर जाने पर भी धन भाव के स्वामी के व्यक्ति को जीवन में एक बार नहीं कई बार आकस्मिक धन हानि झेलनी पड़ती है और उसका सारा पैसा उसके हाथ से निकल जाता है। कुल मिलाकर के धन भाव के स्वामी के 6-8-12 भाव में जाने पर, पाप ग्रहों से दृष्ट होने पर, अस्त होने पर, अति बाल्य अतिवृद्ध अवस्था में होने पर, धन भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि होने पर, धन भाव में पापक ग्रह होने पर, व्यक्ति को धन संबंधित मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धन भाव के अपने घर में होने पर, मित्र घर में होने पर, उच्च राशि में होने पर, मूल त्रिकोण राशि में होने पर, निश्चित रूप से व्यक्ति सर्वसंपत्तिशाली होता है और उसे कभी भी पैसे की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आपकी जन्म कुंडली में दोस्तों आपको लगता है कि धन भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको इसके उपाय ज़रूर करने चाहिए। और कामना करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसे ही छोटे छोटे पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।